धन्यवाद सभापति जी। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। यह बिहड़ इलाका है, आदिवासी क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र, और जहाँ पर 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, 35 कोयले के खदान है, और जहाँ पर भारत एल्युमिनियम कंपनी है, ऐसे स्थान में हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ से हर 10 मिनट में एक कोयले गाड़ी का लदान होता है। राजस्व के मामले में पूरे भारतवर्ष में बिलासपुर जोन सबसे मजबूत जोन है, सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत जोन है। इसी प्रकार से कोरबा इलाका ऐसा है, राजस्व के दृष्टिकोण से भारत सरकार को सबसे अधिक आय रेलवे विभाग को कोरबा देता है। माननीय मंत्री महोदय जी ने, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ 4 कॉरिडोर को उन्होंने स्वीकृति दिया है। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रहा था, जिसे मैं चुनावी एक्सप्रेस के रूप में मानता हूँ। 26 फरवरी से 26 मई तक ही वो चला था, और उसके बाद बंद होने के बाद जब भी मैं कोरबा पहुँचता हूँ तो कोरबा की जनता, चांपा की जनता यही बोलती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस का क्या हुआ। मैं प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु जी, हमारे ऊपर भी कृपा करो, इंटरसिटी एक्सप्रेस को जरूर चलवाओ, उससे कम से कम हमारी इज्जत भी बची रहे। हम भी अपने बिहड़ क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे आपने काम दिया है, महिलाओं को आपने ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया, रेलवे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आपने अंत्योदय एक्सप्रेस चलाया, हर रेल के गाड़ी में एक एक डब्बा अलग से आपने डाला है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और विशेषकर जिन डिब्बों में गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, हैंडीकैप लोग हैं, जाते हैं, उनके लिए आपने चार्जिंग भी लगाया है रेलवे का, ताकि वो अपना मोबाइल चार्ज कर सकें, हारी सुविधा। एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके जो स्वच्छता अभियान में सबसे पहला यदि कोई जिला है तो बिलासपुर जिला है, जहाँ पर बहुत वर्षों से स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, रेलवे विभाग को धन्यवाद देता हूँ। और आज भी निर्बाध गति से आपके आने के बाद उसमें सुधार कुछ ज्यादा हुआ है, तो मेरा एक निवेदन है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को कोरबा टू अमृतसर कहा जाए, क्योंकि वो कोरबा से ही चलता है, कोरबा ही आता है। इसी प्रकार से शिवनाथ एक्सप्रेस को शिवनाथ एक्सप्रेस कोरबा टू नागपुर रहे, और नागपुर टू कोरबा हो, ये भी हमारी मांग है। और विशेषकर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मांग है कि आप उसको हर हालत में इंटरसिटी चलवाएं। कोरबा कॉरिडोर जो है, हमको 4 कॉरिडोर मिला है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को देता हूं, आपको देता हूं, हमारे सिन्हा जी को देता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए आपसे मांग किया था, आपने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ को आपने सबसे ज्यादा ट्रेन और कॉरिडोर का हम लोगों को आपने सुविधा प्रदान किया है। धर्मजगड़ से कोरबा, कोरबा से पेंड्रा रोड वाया दोहरी लाइन सहित वाया गेवरा पसान कोटमी है, झाड़सुगरा से कोरबा वाया चांपा है, डोंगरगढ़ से कवर्धा मुंगोली होते हुए कटघोरा है, और आदर्श स्टेशन की भी कैटेगरी में आपने कोरबा जिला को, कोरबा संसदीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा उपहार दिया है। कोरबा, मनेनगढ़ और चिरमिरी, चिरमिरी कोयला खदान का 1928 में पहली बार प्रारंभ हुआ था, जहां पर आज भी कोयला का उत्पादन होता है, और उसको एक प्रकार से चिरमिरी को हम लोग नए हिमाचल प्रदेश के रूप में देखें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए कोरबा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या, क्योंकि इसलिए एक सिनेमा मैंने देखा था, नदियां न पीता कभी अपना जल, वृक्ष न खाता कभी अपना फल, यही हाल हमारे कोरबा का है। इंटरसिटी एक्सप्रेस जरूर दीजिए, कम से कम मेरी इज्जत के लिए दीजिए, और आम जनता की भलाई के लिए दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।